गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग. मेरा नाम मनोज है और मैं अहमदाबाद से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ. ओके, तो बताइए मनोज जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम है. बताइए क्या प्रॉब्लम है. लेकिन कैसे बताऊँ मैडम, मुझे बहुत शर्म भी आ रही है. देखिए मनोज जी, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है. आप मुझसे खुल के सारी बातें कर सकते हैं. मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनूंगी जब तक तो मैं कोई सलूशन निकाल ही नहीं सकती हूँ. इसलिए आपसे मैं कह रही हूँ कि आपको जो कुछ कहना है आप खुल के ही बात कीजिए मुझसे. जी मैडम. मैडम प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि अभी 2 महीने बाद मेरी शादी होनी है. अच्छा. लड़की अच्छी है, सुंदर है और अहमदाबाद की ही पास की एक शहर की रहने वाली है. ओह गुड, वेरी गुड. प्रॉब्लम ये है मैडम कि अब से पहले मेरी कई गर्लफ्रेंड्स हुई हैं. मैंने उनके साथ फिजिकल्स भी किए हैं. लेकिन जब मैं उनके साथ फिजिकल करता था तो उन्हें फर्स्ट टाइम में ब्लीडिंग होती है. अब मुझे इस बात पे डाउट है, मेरी जो वाइफ है जिससे मेरी लड़की, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, क्या वो वर्जिन है या नहीं? सवाल तो आपका बहुत अटपटा सा है. ये सवाल मनोज जी आप ही नहीं, बहुत से लोग इस तरह का सवाल करते हैं. बहुत से बच्चे आते हैं इस तरह का सवाल करके, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने मन में एक गलत फहमी बांधी होती है कि लड़की का पता हम उसको ब्लीडिंग होती है फर्स्ट नाइट पे या नहीं होती है इससे ही पता लगता है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मनोज कि लड़की को फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग हो और उससे आप पता लगा सकें वो वर्जन है या नहीं है. ये कोई बात नहीं हुई. लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है. क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल की जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, टीनेजर्स, वो क्या है कि आजकल घर में तो बैठती नहीं है. फुटबॉल वो खेलती हैं, स्विमिंग वो करती हैं, साइकिलिंग वो करती हैं, यानी किसी भी स्पोर्ट्स लाइन में लड़कियाँ आजकल होती हैं. तो उस दौरान क्या होता है कि लड़कियाँ जब एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं या वो खेल रही होती हैं, उस वक्त उनके बच्चेदानी पर एक बहुत बारीक एक कागज़ की तरह की एक झिल्ली होती है, सिर्फ एक झिल्ली. तो वो कई बार क्या होता है कि जब लड़कियाँ स्पोर्ट्स में होती हैं, स्विमिंग कर रही होती हैं, तो उस वक्त वो झिल्ली फट जाती है, तो लड़कियों को ब्लीडिंग हो जाती है उस वक्त. तो जब ये झिल्ली सिर्फ एक ही बार फटती है, क्योंकि जब वो शादी होती है तो कई लड़कियों की वो झिल्ली नहीं फटती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में रहने की वजह से फट चुकी होती है. तो लड़के तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लड़के ये सोचते हैं अगर उसे ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो वर्जन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है मनोज कि वो लड़कियाँ वर्जन ही होती हैं. लेकिन क्या करें, कैसे समझाएं आप टीनेजर्स लोगों को कि ऐसा नहीं है. आपके दोस्तों ने कहा कि अगर अरे मेरी वाइफ को ब्लीडिंग हुई, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठने लगा कि मेरी वाइफ को ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई, अगर वो ब्लीडिंग होती तो वो साफ सुथरी एकदम वर्जन होती. मनोज ये सवाल आप अपने दिमाग से निकाल दें, लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है. तो आप अपना शादी करें, खुश रहें, अपनी वाइफ को भी खुश रखें, ना कि आप एक बात को लेके घर में टेंशन बनाएं, अपने आप भी टेंशन में रहें, आने वाली को भी टेंशन दें. ये तो गलत बात है ना. जब उसकी कोई गलती ही नहीं है मनोज, तो वो क्यों भुगते सिर्फ आप लोगों की एक छोटी सोच की वजह से. आप अपनी सोच को बदलिए मनोज, और आपको मैं जो सलाह दे रही हूँ ये आप अपने तक ही सीमित ना रखिए, बल्कि जो आप जैसे सोच रखने वाले जो टीनेजर्स बच्चे हैं उन्हें भी ये बताएं कि सिर्फ ब्लीडिंग ना होने की वजह से आप उन पर शक नहीं कर सकते या आप इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि वो वर्जन है या नहीं है. वो वर्जन होती है, लेकिन आप लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, ऐसी छोटी सोच रखने की वजह से कई घर टूटते हैं, कई मासूम लड़कियों की जीवन खराब होता है. तो मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस चीज़ में बेकार के टेंशन ना लें, आप शादी करें और घर वालों को खुश रखें, अपनी बीवी को खुश रखें और खुद भी खुश रहें. मैडम एक छोटा सा सवाल और है. पूछिए मनोज, क्या पूछना है? क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर सुहागरात की रात को लड़की को ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है, तो इसका क्या उसकी प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? ये सवाल आपका बिल्कुल सही है. देखो मैं आपको बता दूँ कि ब्लीडिंग होने से या ना होने से उसके प्रेग्नेंट होने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. वो उसी तरह प्रेग्नेंट होगी जिस तरह हर औरत होती है, वो भी माँ बनेगी. अब इस चीज़ को लेके इतना कन्फ्यूज्ड क्यों है कि भाई अगर वो ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो माँ नहीं बन सकती? वो माँ बन सकती है, आपको बाप बना सकती है, आप पिता होने का एक अच्छा सुख उठा सकते हैं. और कुछ? जी मैडम,
थैंक यू मैडम, मेरे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं थी जो आपने बहुत अच्छे से दूर कर दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप दूर हो गई जी मैडम, खुशी खुशी जाइए, शादी करिए, एंजॉय कीजिए जी मैम। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।